दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग आईपीएल का मेगा ऑक्शन 19 दिसंबर को दुबई में होने जा रहा है। जी हां, एक बार फिर से मेगा ऑक्शन में खिलाड़ियों की नीलामी की जाएगी। आपको बता दें कि इस बार खेले जाने वाले आईपीएल में अब तक 77 स्लॉट के लिए नीलामी होनी है, जिसमें 333 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। सबसे ज्यादा कोलकाता नाइट राइडर्स के 12 स्लॉट खाली हैं, जहां पर उनको खिलाड़ियों को लेना है। तो वहीं गुजरात टाइटंस की अगर बात की जाए तो गुजरात टाइटंस के पास सबसे ज्यादा पर्स मनी है। उनके पास करीब 38 करोड़ से ज्यादा की राशि अभी तक पर्स में पड़ी हुई है। अगर 77 खिलाड़ियों की बात की जाए तो 77 खिलाड़ियों पर लगभग 262 करोड़ रुपए लुटाए जाएंगे। आईपीएल के ऑक्शन से पहले ही मुंबई इंडियंस की ओर से एक बड़ा फैसला लिया गया है। पिछले 10 सालों से कप्तानी कर रहे मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा की जगह हार्दिक पांड्या को मुंबई ने कप्तानी सौंपी है। इसके साथ ही अन्य टीमों की अगर बात की जाए तो सभी टीमों के पास लगभग 6 से लेकर 8 स्लॉट तक खाली हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स ही एक ऐसी टीम है जिसके 12 स्लॉट खाली हैं। तो वहीं राजस्थान रॉयल्स की अगर बात की जाए तो राजस्थान रॉयल्स के 8 स्लॉट खाली हैं और उनके पर्स में करीब 14 करोड़ की राशि है। राजस्थान रॉयल्स की अगर बात की जाए तो उनके जो दमदार खिलाड़ी हैं वे टीम में शामिल हैं, तो वहीं देवदत्त पड़ीकल को उन्होंने रिलीज कर दिया है। इसके साथ ही ट्रेंट बोल्ट, यशस्वी जायसवाल, सिमरन हेटमायर, संजू सैमसन, यजुवेंद्र चहल और जॉस बटलर टीम की सबसे मजबूत कड़ी हैं। तो वहीं मुंबई इंडियंस में हार्दिक पांड्या की वापसी के चलते मुंबई एक बार फिर से मजबूत नजर आ रही है। इसके साथ ही अगर बात की जाए अन्य टीमों की तो इस बार का आईपीएल काफी रोमांचक भरा रह सकता है। हालांकि ऋषभ पंत की वापसी पर अभी भी संशय बना हुआ है, क्योंकि उनका जो इंजरी है वह इंजरी से रिकवर नहीं कर पाए हैं। ऐसे में आईपीएल का मेगा ऑक्शन दुबई में 19 दिसंबर को होगा, लेकिन उससे पहले खिलाड़ियों की दिलों की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। इसके साथ ही न्यूजीलैंड के जो स्टार उभरते हुए बल्लेबाज हैं रचिन रविंद्र, उस पर इस बार सभी टीमों की निगाहें रहेंगी, क्योंकि वर्ल्ड कप में उन्होंने जो प्रदर्शन किया है बल्लेबाजी के साथ ही गेंदबाजी से सभी टीमों को उन्होंने आकर्षित किया है। इसके साथ ही इस बार के आईपीएल में ऑलराउंडर्स के ऊपर सबसे ज्यादा धन वर्षा होती हुई नजर आ सकती है। ऐसे में 77 खिलाड़ियों पर करीब 262 करोड़ रुपए की बरसात है वह इस बार दुबई में होगी। तो वहीं आईपीएल का जो रोमांच है वह इस बार और भी बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज़, मैं हूं ललित वर्मा।